नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। पूरा मामला जनपद कानपुर देहात तहसील भोगनीपुर क्षेत्र की ग्राम पंचायत ततारपुर गांव का है, जहां दिनांक 16/12/2020 को खुली बैठक करते हुए राशन कोटे का चुनाव करवाया गया था, जिस पर पीड़ित को 154 वोट तथा विपक्षी पार्टी रानी देवी को 22 वोट मिले थे, जिसको देखते हुए अधिकारियों ने नए कोटे का चयन गजेंद्र बाबू को निर्वाचित घोषित कर दिया। वहीं राशन कोटे के चयन के दौरान थाना सट्टी पुलिस तथा तहसील के अधिकारियों के सामने सभी मूल प्रति वीडियो फोटो क्लिपिंग बनने के बावजूद गांव के कुछ अराजक तत्वों के द्वारा एसडीएम भोगनीपुर को राशन कोटे को लेकर गलत जानकारी से अवगत कराया गया, जिस पर कार्रवाई करते हुए एसडीएम भोगनीपुर ने राशन कोटे के चयन की तारीख से लगभग 2 महीने बाद बिना जाँच करवाई के नए आवटन राशन कोटा निरस्त कर दिया, जिसको देखते हुए पीड़ित गांव के सैकड़ों लोगों के साथ में एसडीएम दीपाली भार्गव पर आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी महोदय कानपुर देहात से न्याय करते हुए राशन कोटे के संबंध में निष्पक्ष जांच करने की अपील की तथा न्याय की गुहार लगाई। गजेंद्र बाबू कहाँ पर आए, क्या किस लिए आए? यहाँ पे हम राशन कोटे के लिए संबंध में आए हुए हैं। 16/12 को चुनाव हुआ था गांव में, खुली मीटिंग में, जो किस गांव में? ततारपुर में। और उसमें हमें 154 वोट मिले थे और एक श्रीमती रानी देवी जी, उनको 22 वोट मिले थे। इसमें हमने चयनित किया गया और चयनित करने के बाद ब्लास्ट से रिपोर्ट तहसील में आई एडीएम साहब के पास, तो उन्होंने नए तहसीलदार से रिपोर्ट लगवा के उसे खारिज कराने के आदेश कर दिए हैं, जिससे जनता बहुत परेशान है, आक्रोशित है। दुकान चयनित नहीं हो पा रही है और 12-13 महीने हो गए हैं, दुकान दूसरे में अटैच है। तो आप आज कहाँ आए थे? आज हम डीएम साहब के यहाँ आए थे। डीएम साहब मिले? नहीं मिले हमको। फिर हमने प्रार्थना पत्र उनको दिया है। किसको दिया है? एडीएम साहब को। एडीएम? एडीएम साहब और एडीएम साहब से। क्या बोले वो? बोले कि मैं जाँच करा के खारिज करा दूँगा। कब तक? जल्दी से जल्दी, आज ही कराने का कहा है। ठीक। ततारपुर थाना सट्टी तहसील भोगनीपुर से जो एसडीएम भोगनीपुर दीपाली भागवत ने जो भी आदेश किया वो बनेहाल गलत है। ना ही एसडीएम मैडम ने कोई भी जांच कराई, ना भी ब्लैक द्वारा दिए गए कोई भी साक्ष्य देखे, ना वीडियो देखी, ना फोटो देखी। और इसके देखने से पहले ही वो आदेश का जो है मीटिंग खत्म करने के लिए आदेश कर चुके हैं। इसमें एसडीएम भोगनीपुर दीपाली भार्गव और नायब तहसीलदार की मनमिली भगत से ये प्रस्ताव गलत तरीके से खारिज किया गया है। इससे हमारी अपील लेके मैं डीएम साहब पर आया हूँ कि इसकी उच्च अधिकारियों से जांच कराकर और ये दुकान बनाई जाए।